सबसे यूनिक चीज अगर मैं इस वैगनार में बताऊं, जो कि भाई फर्स्ट टाइम है, जो कि आप लोग थंबनेल बिल्कुल सही क्लिक करके आए हो, मैं फर्स्ट टाइम क्यों क्लेम कर रहा हूं, रिकमेंडेड जगह से ही, ट्रस्टेड जगह से ही लगवाना, उसका मैं अगेन बता दूं। और सीएनजी वेरिएंट सिर्फ एलएक्सआई वेरिएंट में ही आता है, तो भाई उसको हमने ZXI बना दिया और ये प्रॉपरली वर्किंग है। भैया का बजट नहीं हुआ थोड़ा, ठीक है, तो भैया ने बोला कि नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। और अपना स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और कोई और मेरा भाई करवाना चाहे वीडियो देख के, सब कुछ हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, एलएक्सआई से ZXI कर देंगे हम। स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, ORVM, इसके साइड मिरर, हां जी, ओरिजिनली फोर विंडो होगा जो ZXI प्लस में आते हैं। कैसे आप सब, हो भाई काफी ज्यादा बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। भाई आज हम लोग आया ऑडियन मोटर्स, आप लोग की काफी हैवी डिमांड आ रही थी कि भैया वैगनार LXI की मॉडिफिकेशन दिखाओ, हमें LXI से ZXI करवानी है। अगर आप लोग कंपनी से लेते हो तो भाई 3-4 लाख का अंतर आता है, बट भैया ने भाई काफी कम रेट पे और ओरिजिनल पार्ट के साथ लगा दिया। तो मैं सबसे पहले भैया को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। विजय भैया कैसे हो? विजय भैया के हम लोग आए थे ऑडियन मोटर्स पे, और भाई हम लोगों ने वैगनार LXI को ZXI बना दिया। हियर वी हैव दी ऑल न्यू वैगनार 2021 का बेस मॉडल, यानी कि आप लोग देखोगे तो CNG का जो LXI वाला आता है वो वाला वेरिएंट रहने वाला। और भाई सबसे जरूरी चीज, ये सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग कार है भाई, तो इसमें फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आप लोग को मैं दिखाऊं, यहाँ पे भाई स्टीरो लगा रहे हैं, पाइनर का स्टीरो लग रहा है। साथ साथ मैं आप लोग को दिखाऊं भाई, पाइनर के आगे अपने यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं, पीछे की साइड कोएक्सल लग रहा है, क्योंकि भाई पीछे की साइड कोएक्सल ही रिकमेंडेड होता है। सर का पुराना साउंड बैरियर का एम्प था, तो वही चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, वायरिंग अपनी पूरी हो रही है। और सबसे यूनिक चीज अगर मैं इस वैगनार में बताऊं, जो कि भाई फर्स्ट टाइम है, जो कि आप लोग थंबनेल बिल्कुल सही क्लिक करके आए हो, मैं फर्स्ट टाइम क्यों क्लेम कर रहा हूं, जो इसमें पावर विंडो लगा रहे हैं, ऑल 4 पावर विंडोज लगा रहे हैं। फ्रंट 2 में तो आते हैं, बट बैक की भी पूरी वायरिंग होके ऑल 4 पावर विंडोज यहाँ पे लग जाएगा मारुति जेन्युइन पार्ट्स के साथ। उसके बाद बात करूँ तो सबसे यूनिक कर रहे हैं भाई, ये देखो वुडन वाला कर रहे हैं, और जो पावर विंडो के स्विचेस होंगे उसमें भी पूरा आपको वुडन मिलेगा। यानी कि अगर आपका भाई कुछ चीज़ रिकमेंड कर रहा है ट्रस्टेड जगह से, भाई बिल्कुल एश्योर्ड होके आ सकते हो यहाँ पे। बाकी भैया पूरा काम कर रहे हैं, ए टू जेड पूरा वायरिंग का काम चल रहा है। भाई काफी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम बेस को टॉप कर रहे हैं तो भाई बहुत लंबा प्रोसेस होता है। रिकमेंडेड जगह से ही, ट्रस्टेड जगह से ही लगवाना, उसका मैं अगेन बता दूं, पूरी वायरिंग यहाँ पे खुलती है। और सबसे मेन बात भाई, आपकी इसमें कोई वायरिंग कट नहीं होती, आपकी कोई वारंटी वाइड नहीं होती, सारा काम अपना कपलर टू कपलर होता है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है प्रोसेस, मैं आप लोगों को साथ साथ चेक करवाता हूँ। तो इस अपनी वैगनार में जो सेंटर लॉकिंग काम चल रहा था हड्डी का, प्रॉपरली लग चुका है। एक ऑप्शन आपका आता है फ्लिप की वाला, बट सर ने फ्लिप की वाला नहीं लिया, वो आपके पैकेज में ही आते हैं, नॉर्मल वाला रहने वाला है। तो इसमें मैं आप लोग को दिखाऊं अपना लॉक, और भाई अनलॉक प्रॉपरली वर्क करता है। सबसे मेन चीज़ हमने फोकस करा है ZXI के पावर विंडोज़ पे। तो सबसे पहले भाई आप लोग देखो क्या बेहतरीन चीज़ लगी है, यहाँ पे पूरा वुडन का लगा है। ये देखो भाई कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है वुडन में भी। ये वाला जो आर्टिकल है सबसे यूनिक है, ये आपने कहीं नहीं देखा हुआ, इसलिए आपके भाई ने थंबनेल में फर्स्ट टाइम क्लेम करा वैगनार में। अब भाई ये LXI आप लोग को अगेन मैं यहाँ से दिखा दूँ, अपना CNG वाला वेरियंट आता है, और CNG वेरियंट सिर्फ LXI वेरियंट में ही आता है। तो भाई उसको हमने ZXI बना दिया और ये प्रॉपरली वर्किंग है, मैं आप लोग को दिखाऊँ एक बार। तो भाई आप लोग यहाँ से चेक कर पाओगे भाई कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, आप लोग को मैं यूज़ करके दिखाऊँ। तो ये देखो भाई फ्रंट 2 में तो आपको आता ही है, मेन होता है भाई बैक चेक करवाना, बट एक बार मैं फ्रंट भी चेक करवा दूं, क्योंकि ये पूरा चेंज होता है पैनल, ये नहीं हमने इतना कटिंग करके कुछ लगा दिया। आप लोग चेक कर पाओगे पूरा पैनल अपना हाइड्रोलिक पावर, ये पूरा चेंज होता है पैनल उसका। ये देखो भाई कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। साथ साथ मैं आप लोग को दिखा दूं, भैया ने साउंड आउटपुट पे गए हैं तो यहाँ पे भैया ने पाइनर लगाया, बस कपलर टू कपलर है सारा, आप लोग चेक कर पाओगे। ये अपनी बेस ट्यूब की वायरिंग आ गई, अपना भाई स्टीरियो की वायरिंग आ गई, अपने स्पीकर की आ गई, भाई ए टू जेड साउंड बैरियर कैंप आपके भाई ने बताया, तो साउंड बैरियर कैंप लग रहा है यहाँ पे। बाकी ये भी प्रॉपरली वर्किंग, मैं आप लोग को दिखाऊं। ये देखो थोड़ी सी भाई बारिश हो रही है, तो थोड़ा इसको माइंड करना भाई, आपका भाई आप लोग को पूरा चेक करवाता है, तो आप लोग ये चीज चेक कर पाओगे। अब मैं आपको एक बार पीछे ले जाता हूं भाई, पीछे का सबसे मेन रिस्पांस है कि पीछे इसका क्या रिस्पांस निकल के आता है। तो इस आप लोग चेक कर पाओगे जो हम ZXI का लगाते हैं, उसमें यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, या तो आप यहाँ पे भाई कुछ कटिंग करके लगा दो, बट भैया आपने सिर्फ जेनुअन पार्ट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे भैया ने जो ऑल ओरिजिनल वाला आता है जेनुअन ZXI में वो लगवाया। अगर आप भाई ORVM में अपग्रेड भैया ने नहीं करवाया, थोड़ा बजट इशू था, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, बट आप लोगों ने भाई ये चीज़ अपग्रेड करवाना है तो आप लोग भाई जस्ट यहाँ पे अगर ऑप्शन करोगे, अगर आपका साइड मिरर लगता है टॉप मॉडल का तो यहीं से भाई सारा ऑपरेट होगा, यहाँ से आप लोग भाई सारा हैंडल कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, साइड मिरर का एडजस्टमेंट आपको यहीं मिल जाएगा भाई। काफ़ी सही चीज़ अगर आप साइड मिरर करवा तो भाई ये चीज जरूर लगवाना। बाकी में क्या होता है यहाँ कटिंग वटिंग करके लगा दी जाता है, बट ये भाई अपना ऑल जेन्युइन लगाया भाई। आगे जाके अगर भैया इसमें चेंज भी करवाते हैं, यानी कि आगे साइड मिरर लगवाते हैं, तो ये भी ऑप्शन है उनके पास कि भाई वो इसमें जाके चेंज करवा। भाई सबसे मेन जो चीज थी मेरे को आपको पीछे का दिखाना, आप लोग को पता है यहाँ पे मैनुअल सा मिलता, तो उसे रिमूव करके भैया ने कहा स्पेस को मेरे को खाली नहीं रखना, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग कर दी, आप लोग चेक कर पाओगे यहाँ पे पाइनर का। बाकी उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो भाई अपना ये वाला देखो, ये बिल्कुल टॉप मॉडल का भैया, ये गत्ता चेंज होता है अपना,
नहीं, इसमें कत्ता चेंज नहीं होता, इसमें ये ऐसे ही लग जाता है, इसमें बस ऊपर का ये चीज चेंज करना पड़ता है। जैसे आफ्टर मार्केट आता है ना, तो हम यहाँ पे डब्बी लगा के लगाते हैं। हाँ, डब्बी वाला आरडी वाडी या किसी का लगता है तो जो भी आता है कंपनी का, हाँ हाँ, आपको डब्बी नहीं लगेगा, डब्बी नहीं आती, ओरिजिनल। बस यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज ऐड करा जी। चलो भाई, ये चीज ऐड करा, इसको भी हाइड्रो डिप करा, ये नहीं हमने सिर्फ फ्रंट में करा, पूरी गाड़ी का कॉन्ट्रास्ट रखने के लिए पीछे की साइड भी वुडन हाइड्रो डिप है। और ये आप लोग चेक कर पाओगे भाई, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, भैया एक बार करके दिखाना, तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखाऊँ। ये देखो भैया, आप लोग को दिखा रहे हैं, अपना जेनुअन रहने वाला है, बाकी किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा। आफ्टर मार्केट जो होती है वो जल्दी जल्दी करती है, बट ये जेनुअन रहने वाला है, तो जो कंपनी का प्रोसेस होता है स्लोली स्लोली, इवन नॉर्मल आप कह सकते हो, नॉर्मल स्पेस में चलेगा। भैया एक बार और दिखाना मेरी ऑडियंस को भाई, ये देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप लोग को मैं दिखा दूँ। भैया अपना ऑल जेनुअन रहने वाला है, चलो भैया ने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, तो अपना बिल्कुल ऑल जेन्युइन आने वाला है। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे काम कंप्लीट होता है, मैं आप लोगों को इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ कि भाई सीएनजी कार में अगर आप लोग प्लान कर रहे हो लेने का, तो इसमें क्या आउटपुट निकल गया। सो गाइस, फाइनली अपनी वैगनार की मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये आरडी के बिना फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग थी, वो ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है पैकेज के अंदर, आप फ्लिप की वाली लगा सकते हो भाई, आपकी चाबी बिल्कुल फ्लिप की हो जाएगी। बट इसका रिस्पॉन्स मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो भाई अनलॉक, और ये अपना लॉक भाई प्रॉपरली वर्क कर रहा है भाई। बेस मॉडल उठाओ, बिल्कुल टॉप मॉडल मॉडिफिकेशन करवाओ। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ भाई, कहीं नहीं जाना, एक ही जगह आना है आप लोगों ने। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे, तो भाई और क्या क्या मोड्स आप करवा सकते हो फ्रंट में, हमारे साथ भैया शेयर करेंगे। विजय भैया क्या क्या और मोड्स करवा सकते हो वैगनार में? ठीक है, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल अपने वैगनार में नहीं लगाया, कोई भी वीडियो नहीं है, बट वीडियो ला रहे हम जल्दी, आ जाएगा। ठीक है, भैया का बजट नहीं हुआ थोड़ा, ठीक है, तो भैया ने बोला कि नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। और अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और फ्रंट की बात करें तो फॉग लैंप का जो ऑप्शन आता है, फॉग लैंप हमने लगाया था प्रॉपर ओरिजिनल, स्विच के साथ लगाया, स्विच के साथ लगाया, वो तो भाई वर्क करके मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग यहां से चेक कर पाओगे भाई। ओरिजिनल फॉग लैंप हमने स्विच के साथ लगाया, और मेन जो फोकस करा भाई वो इंटीरियर में करा, यानी कि पावर विंडो में हम लोग एक्सपर्ट है भाई, हम लोगों ने पावर विंडो में मेन फोकस करा आपके भाई ने, स्टार्टिंग से ही आप लोग को दिखा रहा हूं। तो यहां से ये चीज चेक करो भाई, प्रॉपर अगेन आप लोगों को मैं दिखा दूँ, पूरा हाइड्रो डिप हुआ है, और प्रॉपर स्विच जो यहाँ पे आप लोग देखोगे ओरिजिनल जो आपको मारुति में मिलता है, सेम उसी स्विच के साथ हम लोग लगाए, और ये भाई प्रॉपर वर्किंग है, ये नहीं भाई कुछ गैप रह गया कुछ रह गया। इसको मैं आप लोग को ऑन करके भी दिखाता हूँ भाई, ये प्रॉपर अपना ऑन चलेगा, ये देखो जो आपकी लाइट है वही लाइट का सेम कॉन्ट्रास्ट रखा गया, ये नहीं भाई हम लोगों ने ब्लू कर दिया, आफ्टर मार्केट लगा दिया, कुछ नहीं, ऑल ओरिजिनल रहने वाला है। उसके बाद करें अगर आप लोग चाहते हो, विजय भैया ने जैसा आप लोगों को बताया, आप लोग इसमें ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल लगवा सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको, चलो वो हम आगे दिखा देंगे इंट्रो आउटर में, आप लोग को मैं दिखा दूंगा। उसके बाद करें यहाँ पे भाई मीटर वीटर का भी इसमें कुछ ऑप्शन है भैया? सीएनजी मीटर का ऑप्शन कोई नहीं, सीएनजी में भी मीटर का ऑप्शन नहीं है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आप लोग पूरा हाइड्रो डिप देख पाओगे भाई, कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ आई है। और यहाँ पे जनरली आपके भाई ने आपको एंड्रॉइड दिखाया होगा, बट आज हम लोगों ने 7 इंचेस का पाइनर का लगाया, और पाइनर का क्या रिस्पॉन्स आउटपुट में वो आप लोग को भाई पता ही है, नंबर वन है। उसके बाद बात करें तो मैं आप लोग के साथ आउटपुट भी शेयर करूंगा, बट मेन था आप लोग को एक बार ये मैं दिखा दूँ, ये प्रॉपर अपना वर्क कर रहा है, ये देखो आप लोग चेक कर पाओगे भाई, ये देखो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों के सामने रहने वाला है। भैया डोर हैंडल्स का भी इसमें ऑप्शन है? हाँ, इसमें डोर हैंडल्स का भी ऑप्शन है। डोर हैंडल भैया ने नहीं करवाया? नहीं करवाया, बजट इनका बजट का ही थोड़ा इशू पड़ रहा था। ठीक है, सारा बजट का इशू है, सारा बजट का इशू। भैया अगर कोई और मेरा भाई करवाना चाहे वीडियो देख के, सब कुछ हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, LXi से ZXi कर देंगे हम। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, ORVM, इसके साइड मीटर, हाँ जी, ओरिजिनल पावर विंडो हो गए जो ZXi प्लस में आते हैं, हाँ जी, आपको फॉग लैंप हो गया, हाँ जी, IPF प्रोजेक्टर वगैरह लगाना, ये भी ऑप्शन है अपने पास। चलो टोटल LSS भैया ने पूरा टोटल पैकेज बता दिया भाई, आप लोग को जो भी चीज करवानी है आप सब कुछ करवा सकते हो। तो फ्रंट में तो कुछ यही मॉडिफिकेशन हुई है, आपके भाई ने आपके साथ सब कुछ शेयर करा। पीछे की साइड ले जाता हूँ, क्योंकि पीछे फ्रंट टू तो आपको पावर विंडोज मिलते ही है, बट पीछे का चेक करो भाई, कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ हम लोगों ने इसको लगाया, ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई, सब कुछ आप लोग के सामने रहने वाला है। और अपना ऑल जेन्युइन मारुति रहने वाला है भैया? ओरिजिनल जेन्युइन मारुति। चलो भाई बहुत सही चीज है, यहाँ फ्रंट से भी पूरा वर्किंग है, भैया आप लोग को एक बार दिखा रहे हैं, ये देखो भैया ने फ्रंट से करा और भाई प्रॉपर वर्क कर रहा है, सब कुछ आप लोग के सामने रहने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को पीछे की साइड ले जाता हूँ कि हमने आउटपुट के लिए इसमें क्या। तो गाइस पीछे की तरफ आप लोग को ले जाऊँ, तो ये अपना सीएनजी वाला वेरिएंट था, बट भैया का ये पुराना बेस ट्यूब था, हमने इसमें वायरिंग डाली और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसका आउटपुट भी मैं आप लोग के साथ चेक करवाऊंगा, तो मेन चीज़ आपको यही दिखाना था। साउंड भी रहेगा, भैया का पुराना एम्प लगाया, भैया का पुराना बेस ट्यूब है, बट हम इसमें स्पीकर का जो कंपोनेंट का अपग्रेड है वो हमारा हुआ है भैया। क्या क्या लगा उसमें? कंपोनेंट है, पैनल है, ठीक है, और आपका फाइनर का स्टीरियो है। चलो भाई, तो एक बार आप आउटपुट में आप लोग को चेक करवाता हूँ। तो यहाँ तो आपका भाई डालेगा एनसीएस का सॉन्ग ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक, बट यहाँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रहेगी, वहाँ जाके फॉलो करो, वहाँ आपका भाई डालेगा पंजाबी या फिर हरियाणवी सॉन्ग का आउटपुट।
my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the heart through ice covered in poop and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अभी आप लोगों ने इसका आउटपुट चेक करा होगा, होप आप लोगों को भाई पसंद आया होगा। तो वीजे भी आज हम लोगों ने क्या क्या अपग्रेड करा है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑडियंस का शेयर करो। मतलब हमने ओएम ऑर्बिट हो गया अपग्रेड, जो लेटर से प्लस में आता है। जी स्टीरियो का पैनल सबसे बड़ी हमने वुडन लगाया, जो उसमें वुडन जो था हमने वुडन पैनल कर दिया। फ्रंट टू तो पावर विंडो आता है, बट बैक में भी सेम हमने कर दिया। इवन वहाँ जो स्पेस आता है वहाँ ट्विटर लगा दिया, तो हमें गेट चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। भाई बहुत सी चीजें, इवन अगर आप लोगों ने भाई टॉप मॉडल का स्टेयरिंग ढूंढ रहे हो वैगन आर का, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। बजट का इशू आ रहा है, अगर मेरा भाई कोई करवाना चाहे तो हो जाएगा ना। स्टेयरिंग हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हब वब चेंज होता है, कुछ चेंज होता है ऐसा? होता है, जो चेंज होता है हम चेंज करके देंगे। चलो ऑल ओरिजिनल लगा के देंगे भाई, ट्रस्टेड जगह से ही लगाना है, रिकमेंडेड जगह से ही लगाना है आपको। भाई अगेन आप लोग को बता रहा है, भैया मेरे किसी भाई को मॉडिफिकेशन करवानी है तो कहाँ पे आना, थोड़ा अपना प्यारा एड्रेस शेयर करो। भैया कोडन मोटर करोलबाग नाई वाला 53 नंबर गली है, ठीक है, नाना होटल के बिल्कुल सामने, ठीक है। थोड़ा नंबर शेयर कर दो भैया, 8999800284। भाई यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, इवन आपका भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा। किसी भी चीज की कोई क्वारी हो, भैया से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपके LXI नहीं, अगर VXI में भी मॉडिफिकेशन करवानी है, भैया से कुछ भी पूछना है, भैया से एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने चेक करना है, आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो आके। इस वीडियो में यही था, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो भैया क्या करना है, आज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और भाई शेयर जरूर करना है वैगन आर वाले भाई के साथ। बाकी मिलता है ऐसे एक और नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भैया हैव अ नाइस डे करते हैं। हैव अ नाइस डे।